नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरा स्वयं का एक वाहन हो। ऐसे में व्यक्ति अपनी मेहनत से जुड़ी पूंजी से वाहन ले भी लेता है, किंतु कई बार आपने देखा होगा कि वाहन कई व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ साबित होता है। आपकी जानकारी में भी ऐसे कई लोग होते होंगे जिनके पास वाहन लेने से पहले कुछ नहीं था, किंतु वाहन लेने के पश्चात समस्त प्रकार के भौतिक सुखों से परिपूर्ण हो चुके हैं। तो कई ऐसे व्यक्तियों को भी जानते होंगे जिनको वाहन लेने के पश्चात नित्य कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वाहन में अनावश्यक खर्चे, इंस्टॉलमेंट चुकाने में समस्याएं, वाहन लेने के पश्चात घर में अशांति, व्यापार हानि, इसी प्रकार की कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? मित्रों, वाहन का संबंध अंक ज्योतिष की कई बिंदुओं से जुड़ा हुआ होता है, जिनकी जानकारी आपको ना होने पर ये समस्याएं देखने को मिलती है। मित्रों, अगर आप अंक ज्योतिष के अनुसार अपने वाहन का नंबर व रंग का करते हैं चुनाव, तो मेरा विश्वास मानिए कि आप वाहन नहीं अपना गुड लक खरीद कर लाते हैं। मित्रों, विस्तृत जानकारी प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी माध्यम से हम आप तक ऐसी ही रोचक जानकारियाँ नित्य पहुँचाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 व 30 तारीख को हुआ है, उन्हें मूलांक अनुसार वाहन खरीदने से पहले किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। किसी भी महीने की 3, 12, 21 व 30 को जन्मे व्यक्तियों का मूलांक 3 बनता है। मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के वाहन के नंबरों की डिजिट को जोड़ने पर 3, 6 या 9 का चुनाव कर आप बना सकते हैं वाहन को स्वयं का लकी चार्म। वहीं कुल योग अगर 5 या 8 हो तो देखने को मिल सकती है समस्याएं। ऐसे में मूलांक 3 वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वाहन लेते समय नंबर के कुल योग 5 या 8 का चुनाव कदापि ना करें। वहीं बात करें अगर शुभ रंगों की, तो पीला, हरा, बैंगनी, गुलाबी रंगों का चुनाव बन सकता है आपका गुड लक। तो वहीं लाल, भूरा व क्रीम कलर होने पर देखने को मिल सकती है समस्याएं। अब मित्रों, यहां एक और समस्या देखने को मिलती है कि मूलांक 3 वाले वह व्यक्ति जिनके पास पहले से ही ऐसी गाड़ी है जिसका या तो कुल योग 5 या 8 आ रहा है, या गाड़ी का रंग लाल, भूरा या क्रीम है, वह व्यक्ति क्या करे? के अंदर की तरफ बताए गए शुभ अंक में से कोई भी एक अंक का स्टिकर लगाकर स्वयं की गाड़ी को बना सकते हैं अपने लिए लकी चार्म। साथ ही बात करें अगर मूलांक अनुसार शुभ रंग की, तो बताए गए शुभ रंग अनुसार सीट कवर या गाड़ी के अंदर शुभ रंग अनुसार गणपति की स्टेचू स्थापित कर भी आप बना सकते हैं स्वयं की गाड़ी को खुद का गुड लक। मित्रों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के मूलांक वाले व्यक्तियों का शुभ अंक और शुभ रंग के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारियां मित्रों अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।